मशरूम एक प्रकार के कवक यानी फंगस द्वारा उत्पादित फसल है, जिसे प्राचीन काल से ही लोग खाद्य और औषधि के रूप में व्यवहार करते आ रहे हैं। यह अपने स्वादिष्ट पौष्टिक गुणों के कारण देश विदेश में काफी लोकप्रिय है। मशरूम फसल की खास विशेषता यह है कि इसकी खेती बिना भूमि के यानी घर के अंदर या झोपड़ी में कम पूंजी और कम समय में कृषि अवशेषों पर आसानी से की जा सकती है, इसलिए महिलाओं के लिए वरदान है। फसल जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित नहीं होती क्योंकि इसकी खेती नियंत्रित वातावरण में की जा सकती है। इसके अलावा मशरूम उत्पादन के पश्चात अवशेष रूप में एक उत्तम जैविक कंपोस्ट प्राप्त होता है, जो अन्य फसलों के उत्पादन में पोषक तत्व के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बिहार में व्यावसायिक रूप से चार प्रकार के मशरूम की खेती की जा रही है, ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की व्हाइट श्वेत दुधिया मशरूम और पैडी स्ट्रॉ यानी पुआल मशरूम। इसी दिशा में राज्य सरकार ने मशरूम को फसल का दर्जा देकर वे सभी सुविधाएं किसानों को प्रदान किया है जो अन्य फसलों पर मिलती है। कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला और कंपोस्ट उत्पादन यूनिट के लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। परिणाम स्वरूप बिहार में नारी सशक्तिकरण की मिसाल मशरूम उत्पादक महिलाओं में देखी जा रही है। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह के तहत अपने परिश्रम के बल पर विकास और स्वावलंबन की नई गाथाएं रच रही है। ये महिलाएं मशरूम उत्पादक विक्रेता के साथ साथ प्रचारक भी हैं। इनके चेहरे पर बिखरी मुस्कान सफलता की कहानी बयां कर रही है। कृषि विभाग आत्मा बाका से हमको प्रशिक्षण मिला, कहा गया कि विनीता जी तुम एक ग्रुप बनाओ और उसको पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा एटीएम बीटीएम के द्वारा, और हम लोग एक ग्रुप बनाए मैम। आत्मा के द्वारा हम लोग को नालंदा भेजा गया मैडम गुणवत्ता के बारे में, उसके बाद पटना भी गए मैडम, उसके बाद पूसा भेजा गया, हर जगह जगह पे हम लोग को आत्मा के द्वारा प्रशिक्षण मिला और सहयोग मिला मैडम। उसका बहुत बड़ा सहयोग आत्मा विभाग का रहा जो कि हम लोग इतना आगे आ गए जिला में मैम। और मशरूम समय समय पे होता है मैडम, जैसे नवंबर से फरवरी तक मेरा 20 से 30 केजी बटन चलता है, उसके बाद ओस्टर का करते हैं मैडम 10 से 15 केजी प्रतिदिन होता है, उसके बाद मिल्की है 8 से 10 केजी होता है। हर समय पे हर मौसम के अनुकूल हम खेती करते हैं, जैसा मौसम आता है उस तरह का मैं स्पॉन बनाती हूँ और किसान को बीज सेल करती हूँ और उसके अनुसार मैं अपना मशरूम भी तैयार करती हूँ। बटन है 200 रुपया, ओस्टर है 150 रुपया, मिल्की है 200 रुपया और पुआल मशरूम 250 रुपया केजी के हिसाब से मार्केट सेल करती हूँ। मशरूम की खेती मैं लगभग 6 साल से कर रही हूँ और ट्रेनिंग ली पूसा यूनिवर्सिटी जाके, पूरे अपने ग्रुप के साथ वहाँ से ट्रेनिंग ली, उसी समय से खेती की शुरुआत की 1 किलो बीज से, जो अभी हम लगभग महीने में 50 केजी बीज लगाते हैं ऑयस्टर का, और बटन का सीजन में तो खेती होता ही है, और ऑयस्टर का लगभग हम 50 केजी मंथली लगाते हैं ऑयस्टर का, तो उससे भी इनकम होता है और सीजन ठंडी के सीजन में बटन से भी इनकम हो जाता है। मशरूम के खेती से हम आत्मनिर्भर बन ली है ना, ककरो समझता नहीं छी। मशरूम उत्पादन में स्पॉन का बहुत अधिक महत्व है। यही स्पॉन है मशरूम बीज, यही है ये मेरा कमर्शियल बीज है, मेरा ये किसानों को बीज वितरण होता है, उससे लाके यहाँ पे रखे हैं। तो आइए किसान भाइयों एवं बहनों कदम बढ़ाएं, मशरूम उगाएं, खाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं।